अस्सलाम वालेकुम, मैं तेब गुलजार वतनी ट्रैक्टर वर्कशॉप से लहिया से। ये इस ट्रैक्टर का हड्राले पंप खोला है, ये बाकर वाले का है, ये 28 mm का है। इसका जो पंप है इसने अचानक से काम नहीं छोड़ा। पहले जो आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी उसमें ये है कि जो पंप ख़राब होता है उसने अचानक ही काम छोड़ दिया बिल्कुल सही करते करते, लेकिन ये जो पंप है इसने अचानक से काम नहीं छोड़ा। ये पहले स्लो काम करने लगा, बिल्कुल स्लो उठाने लगा, स्लो उठा तो होता है, काफ़ी अरसे के बाद इसने बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया। एक दो माह तो इसने बिल्कुल स्लो होता गया। जब इसको कल खोला गया तो देखा इसमें तो इसके जो फिटिंग ही नई किस्म की थी। पहले हालांकि कभी नहीं खोला इस जैसा पंप, वो दूसरी फिटिंग में होते हैं, ये और फिटिंग में उसकी सेंटर में एक पिन होती है, इसकी पिन नहीं आई, उसकी इतनी मोटी एक लंबी पिन होती है, उसका और हिसाब होता है, फिटिंग होती है, इसकी और किस्म की है। ये पंप कल खोला, इसको देखा तो इसका ये वाले प्लंजर भी ठीक है, इसके ये वाला जो रूटर इसका ये भी ठीक है। ये वैसे तो लोहे का है, स्टील का है, लेकिन इसके अंदर जो स्लीपे सिलेंडर लगे हुए हैं ये इसके पित्तल के हैं, और जो खोले थे वो उनमें तकरीबन के ये जो मुकम्मल है ये पित्तल का होता है। इसके अंदर भी बेरिंग लगे हुए हैं, ये देखें यहाँ पे दो बेरिंग हैं इसमें, और इसमें ये एक थार्स बेरिंग भी होता है ये वाला। इसका जो मेन मसला हुआ जो ये अचानक से काम छोड़ गया, ये जो प्लेट है ये इस जगह पे चलती है, ये यहाँ से ये ब्लेड लेता है पंप, यहाँ से ये वापस करता है, यहाँ से असम्बली के पास जेक के पास जाता है, यहाँ से टैंकी से ऑयल आता है इसके अंदर, तो यहाँ से अंदर आता है, फिर जहाँ प्रेशर बनता है, और जहाँ से प्रेशर बनने के बाद जहाँ से असम्बली की तरफ ये पेंप जाता है। और ये देखें इसकी जो प्लेट है ये वाली, ये इसकी प्लेट पहले एक साइड से टूटी, ये जो पहले ऐसा ऐसा काम कर रहा था, काम स्लो करता गया, तो इससे वाज़े मालूम होता है कि ये जो प्लेट है ये पहले इसकी एक साइड टूट गई। एक साइड यहाँ से तो इतनी नज़र नहीं आती कि एक साइड पहले कौन सी टूटी, लगता है ये वाली टूटी है, ये एक इसकी प्लेट टूटी एक साइड से, तो यहाँ पे इसका बेड़ा सा बांध गए, झाड़ियाँ बांध गई, ये देखें ये लकीरें सी आपको नज़र आ रही हैं। ये इस साइड से ये एल लेता है, इस साइड से ये एल लेता है, यहाँ पे ये यहाँ से जो एल आता है वो इस साइड से आता है, इस साइड से फिर प्रेशर बांध के इस साइड से आता है, यहाँ से ये इस जगह पर अंदर फिट होती है, यहाँ से फिर प्रेशर बांध के इस साइड से जाता है। यहाँ से एक साइड टूटी तो इसने प्रेशर कम कर दिया, थोड़ा सा इसमें खला बन गया, और ये खला बनने से ये इसको भी ख़राब करता रहा, तो ये चलता रहा, ये चलाते रहे। इन्होंने पहले मुझे कहा कि काम स्लो कर रहा है, मैंने कहा इसकी मरम्मत यहाँ पे नहीं है, तो इसकी मरम्मत मैं नहीं करता। मैं ये जो पंप है ये सिर्फ मैं खोलने और फिट करने का काम करता हूँ, खोल सकता हूँ फिट कर सकता हूँ, लेकिन इनकी मरम्मत मुझसे नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई लिया में करता है। जब मुल्तान से गुजराला फैसलाबाद इन बड़े शहरों में होते, यहाँ से नहीं होते, ना ये प्लंजर यहाँ से क्रोम होते हैं, ना ही ये वाली जो है ये कोई फेस कर सकता है। इसकी तो प्लेन है, एक होती है गुलई में, ये देखें ये जो प्लेट है ये दोनों शहरों पर एक जैसी है, दूसरे जो पंप होते कहीं उनकी गुलई होती है इस तरह से, इसकी थोड़ी आसान है। इसकी जो यहाँ पे सीट लगाना है ये इसकी आसान है, उनकी आसान नहीं होती, ये बिल्कुल प्लेन है, इसी वजह से ये टूट गई। अगर ये भी गुलई होती इसमें तो ये भी ना टूटती, ये इसी वजह से टूटी। अगर ये अंदर होती वो उसकी गुलई होती है, इसके अंदर खड्डा होता है ऐसे होती है, तो ये बिल्कुल प्लेन है, ये इस वजह से ये जल्दी टूट गई, वो होती तो वो ना टूटती। अब ये प्लेट जो है ये फ़िलहाल तो नहीं मिल रही, आज पता करेंगे इसका प्लेट और मंगवाएंगे, और मंगवाने के बाद इसका फेस करवाएंगे, फेस ऐसे के इसको ये झड़ियाँ ये एमरी से ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे अगर इसको टूल लगवाते हैं खरादिया से या फाउंड्री वाल से ग्रेंड करवाते हैं तो ये काफ़ी डाउन हो सकती है। मज़ीद देखेंगे जब आएगी जो प्लेट वो किस तरह से एमरी लगा के हिला के देखेंगे कि सब जगह लग रही हैं या कोई कम जगह लग रही है। सब लग रही हैं ठीक है, कम लग रही होंगी तो फिर इसको रिपेयर करवा लेंगे। बकाया इसके ये वाले पार्ट्स हैं, ये इसमें इजाफे के लिए ये वाले होते हैं, उसके यहाँ पे होते हैं, इसकी जो है इसके अंदर होती है, रूटर इसके साथ टेट हुआ होता है, ये इसका इस साइड से इसका नट है लगा हुआ, और ये इसकी ये कंप्लीन है, ये जो मेन कंप्लीन जो पीटीओ गुल्ले पे लगती है,
पीटी शाफ्ट पे लगती है ट्रैक्टर पे, और ये इस साइड पे लगती है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई है, इसके ऊपर बूस्ट चढ़ा हुआ है, दो बूस्ट चढ़े हुए हैं। बकाय कोशिश करूँगा जब ये फिट करूँगा तो वीडियो बनाऊँगा, अगर मौका मिला तो इसकी वीडियो लाजम बनाऊँगा। एक और इसका जो बेयरिंग है ये टूटा हुआ है, बेयरिंग भी खरीदना है और ये प्लेट भी लेनी है, क्योंकि ये स्टील की है, ये वेल्डिंग नहीं हो सकती। वेल्डिंग करवाएंगे दोबारा टूटी तो इसका ये इसको ये ख़राब कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वतनी ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।